वक्त मेरे पास तीन मसीहा हैं, हकीम साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। हमारे आगे पे खड़ाक बड़े होंगे, मसीह तो पाया अब आएंगे भाई, आज मसीह आएंगे। भाई तुसी ते कैसे हकीम सदे ते शायर निकल आया। उसे अंडरग्राउंड नमूनिया है। अंडरग्राउंड है। मेरी बेसमेंट च बुखार है। हम यकीन कीजिए। क्या हुआ? कोई शय अंदर थी। दीवार के नाल बैठे हिकमत कर रहे होंगे। अच्छा, लोगों ने पूछना की करने कहना हिकमत कर ली। नाड़ा भी कट लिया, अंदर सारा धागे का काम होया। ये भी है, ठीक है, ये भी शायद इसकी है, ये ठीक होगी। चुप करके पिनिया भी कुटा, तुसी गल करो रे बस। यार वाकई बड़ा मजा आ रहा है। ये तो हकीम काम मालशी बड़े अच्छे हैं यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जान रैम्बो और आप देख रहे हैं जान रैम्बो यूट्यूब चैनल। ख़वातीन और हज़रात, मैं आपको अपने शो दी जान रैम्बो शो में वेलकम करता हूं। आपका शो देखने का जो स्टाइल है, जो मैसेज करने का स्टाइल है, वो मुझे बड़ा पसंद है। बड़े बड़े मज़े के मैसेज आते हैं, और स्पेशली जो बैरून मुल्क से मेरे पंजाबी सुनने वाले, बोलने वाले, उर्दू समझने बोलने वाले जो मैसेज करते हैं, और जब बताते हैं कि जी आपका शो देख के हम अपनी थकावट भूल गए, अपना गम भूल गए हैं थोड़ी देर के लिए, तो बड़ा मज़ा आता है जी। बड़ी खुशी होती है कि हम कम अज़ कम इतनी खिदमत तो कर रहे हैं और आप लोगों के चेहरे पर मुस्कराहटें लेके आते हैं। अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को टिन करके दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अच्छा जी, एक वक्त था जब वालदैन अपने बच्चों को जब मुस्तकबिल प्लान करते थे, फ्यूचर प्लान करते थे, वो कहते थे इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा, और उसमें डॉक्टर के लिए बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था, और पूरी पूरी फैमिली जो थी वो डॉक्टर्स बनती थी, और मसीहा का जो लफ्ज़ है वो डॉक्टर के साथ लगाया जाता था। आजकल कहीं कहीं नहीं लगाया जाता, उस पर भी आज हम बात करेंगे। और इस वक्त मेरे पास तीन मसीहा हैं, हकीम साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, और ये ऐसे मसीहा हैं कि जब आप इनके पास जाते हैं तो एलोपैथी वाला कहेगा कभी किसी हकीम के पास नहीं जाना, हकीम वाला कहेगा कभी होम्योपैथी वाले के पास नहीं जाना, होम्योपैथिक वाला कहेगा कभी उन दोनों के पास नहीं जाना। तो ये इनकी एक लड़ाई है। आपने मैसेज करके मुझे ये बताना है कि ये मसीहा आज भी वैसे ही हैं, या ऐसे कुछ ना कुछ मसाइल आपके साथ होते हैं, अल्लाह ना करे कभी किसी एमरजेंसी में जाना पड़े, तो हम कहते हैं जी हमारे मरीज़ को देखो, वो कहते हैं भाई ने पहले फ़ीस जमा करा दो। तो फ़ीस की पहले फ़िक्र होती है मरीज़ को देखने की बाद में। एक हमारे साथ ऐसे मरीज़ भी हैं जो इन तीनों शोबों के पास जा जा के थक चुके हैं, लेकिन उनका इलाज नहीं हुआ, उनसे भी बात करेंगे। बहुत सारी तालियां। हकीम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए मेरे शो में। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर साहिबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मरीज साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। भाई आपने ये जो नुक्ता उठाया है, आज ये हकीम होम्योपैथिक डॉक्टर का, यकीन कीजिएगा खूबसूरत आपने ये जो मौजू आज चुना है, खूबसूरत बात होगी। इसीलिए तो हम कहते हैं हमारे आने पे खड़ाक बड़े होंगे, मजे तो पाया अब आएंगे भाई, आज मजे आएंगे। पहले अपनी नबज पढ़ के अपने आप नु चेक करो, इना किलन डे हो तुहानु केड़ी मजबूरी है। उनको मबस क्या है, एदा इलाज नहीं हुंदा। अच्छा, सबर ही हुंदा। अच्छा ठीक है, एक मिनट मैं बात करता हूँ। आप बैठिए, तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आज तुसी बहुत बड़े वकीम हो मैनू पता है, लेकिन हकीम जड़ा ना काफ गले चो नहीं कटदे। आपने काफ गले से निकाल दिया, गले में वापस डाले, हकीम होता है। अरे हकीम 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 है, असल हकीम जी। आप मेरी दवाई लो, देखे रहे वो इतनी मीठी गोलियां, इतनी मीठी गोली। अरे बंटी को गोली का नाम दे दिया, बंटियों को गोली का नाम दे दिया। क्या हो गया आपको? अभी मंगाइए R21, दो ड्रॉप्स दे, अभी ठीक हो जाएगा। अच्छा, मेरा आप हाथ पकड़ ले, मैं आराम आउंडे। मैं एक मिनट जी बात करता हूँ इनको। सबसे पहले डॉक्टर साहब आप अभी तक चुप है, आपसे पूछता हूँ जी। मसीहा का लफ्ज डॉक्टर के साथ लगाया जाता था,
है नहीं। कुछ डॉक्टर हैं जिनके साथ अब भी लगता है, मैं ये नहीं कहता। रेंबो साहब पंखा बंद करा दो जी, पंखा अभी तो चल ही नहीं रहा। मसीहा का लफ्ज लगाया जाता था और अब कुछ लोगों के साथ अभी भी डॉक्टर्स के साथ लगता है। क्या आप समझते हैं कि अब सारे डॉक्टर मसीहा हैं आजकल भी? क्या आप भूल गए हैं कि जब शदीद कोविड में सगी माँ अपने बेटे के पास ली जाती थी, उन दिनों में 24-24 घंटे हम मरीजों का ख्याल रखते थे, मरीजों के बीच में रह के हमने ड्यूटीज की हैं। अरे 12-12 लाख रुपए बिल बनाए, वो भी तो बचाओ। बारह लाख रुपया बिल भी तो इन्होंने बनाया है। हकीम जी ने शो तो बाद अपनी सारियां दवाइयां आप खानी जिन्ना के लंडे है ना। आप इतने जज्बाती ना हो, आप दो दफा मेरी टांग पे टांग मार चुके हैं। शुगर गारी ने टांग वे पसाई नहीं। अच्छा नहीं, इस बात की तो हम जी एक दफा क्लैप हो जाए, इसमें कोई शक नहीं है। रेंबो पक्का बंद करा दे। फ्रंट लाइन पे इस वबा के साथ लड़ते रहे हैं और लड़ रहे हैं। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में। एक बात ख़वातीन हज़रात, एक बात है, जब इस कौम पे कोई मुसीबत आती है तो हम ऐसे एक हो जाते हैं कि हमारे जितना मजबूत और कौम कोई है ही नहीं, और हम अपना सब कुछ भूल के तन मन धन लगा देते हैं। क्या बात है। और बेशक इसमें इंसानियत नॉर्मल, जैसे ही हम नॉर्मल हालात में आते हैं हम एक दूसरे को लूटना शुरू कर देते हैं, और उस वक्त हम भूल जाते हैं, हम कहते हैं कि जी बस हमने कमाना है, हमने किसी ना किसी तरह कमाना है। देखे मैं ये नहीं करती, आप 250 रुपए की दवाई। कैसी अजीब कौम है, कैसी जबरदस्त कौम है। 250 रुपए की दवाई ले, एक हफ्ते की दवाई देती हूँ। 250 की दवाई, 250 की बस। एक बार मुझसे 1000 रुपए की दवाई ली, मुझे कहने लगा हकीम साहब आपकी दवाई से फायदा नहीं हुआ। मैंने कहा आप इस दवा 250 की दवाई ले, आपको 750 का फायदा होगा। वो किस तरह? 750 जब भरेगा ही नहीं तो फायदा ही होगा ना। 750 का फायदा होया, बीमारी तो कोई फायदा नहीं होया। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे बात हो रही थी, एक मिनट में बारी बारी सबसे। मैं क्या पक्का बंद करा दे गल्ला के लिए? बंद है, 21 गोलियां मंगाई अभी ठीक हो जाएगी। ये मरने वाली आप बात कर रही हैं, उसे अंडरग्राउंड नमूनिया है। अंडरग्राउंड नमूनिया, मेरी बेसमेंट च बुखार है। अंडरग्राउंड नमूनिया में तो पानी खड़ा होता है, नमूनिया ये इसके अंदर पानी भरा हुआ ना, वो ठंडा हो चुका है, अंदर से इसको ठंड लग रही है। मेरे अंदर किसी ने मशक रखी है पानी पर। डॉक्टर साहब से बात कर लूं जरा? डॉक्टर साहब जी, उस बात को हम मानते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, और अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। आमीन आमीन। लेकिन जब जैसे ही हालात नॉर्मल होते हैं फिर आप लोग कसाई क्यों बन जाते हैं? आप देखें, ये डॉक्टर बनना कोई आसान काम नहीं, नहीं। मुश्किल है। आप लोग कहते हैं आग का दरिया है जी डूब के जाना है, डॉक्टर बनना नहीं आसान, आग का दरिया है जो लंघ के जाना। रेंबो पक्का बंद करा दे। पक्का अब टायर चलन दे, 21 मंगा ले ये भी ठीक हो जाएगा। 2020 मैच होंडे तू करा 21 मैं तो कहता हूं इसका मुंह बंद कर। 21 आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से पूछे, वो आपको बताएगा बच्चा दांत निकाल रहा हो तो उसको दी जाती हैं। अरे कौन सी दवाइयां, हम यकीन कीजिए। क्या क्या हुआ? कोई शय अंदर थी। ये है कि सांपो वाला है, सांप अभी आपने सवाल किया कि हम लोग ज्यादा पैसे लेते हैं कसाई बन जाते हैं। देखिए डॉक्टर बनने के लिए आप कहते हैं कि जी डॉक्टर ने बस ऐसे लाइन मारी और इतने पैसे ले लिए। डॉक्टर बनने के लिए लाखों रुपए लगते हैं, 4-5 साल 10 साल पढ़ना पड़ता है, इतनी बड़ी बड़ी बुक्स पढ़नी पड़ती है फिर डॉक्टर बनता है। डॉक्टर बन गया तो उसने फीस ले ली तो क्या क्या मत आता है? मेरी बात सुनिए, देखो जब आदमी माँ बाप को नाराज करता है तो अल्लाह मियाँ डॉक्टर के पास भेज देता है, जब आप डॉक्टर को नाराज करते हैं तो फिर ये अल्लाह मियाँ के पास भेज देता है। की तरफ आता हूं, आप ये बताएं, एक जमाना था जब किसी के पास इलाज नहीं होता था तो वो हकीम के पास भेजते थे जी कि अब हकीम साहब नहीं इलाज करना। जी हाँ। और आजकल आपकी फीसें इतनी हो गई हैं कि बंदा आपकी फीस दे या 3 बच्चों की फीस दे दे स्कूल की। देखिए मेरी बात सुनिए, बाकी है हाँ जी, कि आप मुझसे इलाज ना करवाएं, आप बच्चों की स्कूल की फीस भर दें। हाँ? अच्छा मतलब आपसे इलाज ही ना करो भाई, ना करवाए इलाज भाई। देखो जब मैंने यहाँ दुकान खोली थी आपके हाँ पछवाड़े में जी, जी। तो आपके पछवाड़े में इन्होंने दुकान खोली है? आपने खोली है जी? मैंने खोली है आज पता चला, तब भी मैं कहूँ ये दवाइयों की
मुझे क्यों खुशबू आती है जड़ी बूटी। आप यकीन कीजिए, लग रहे थे किसी ने दुकान खोली। भाई आप यकीन कीजिएगा, उस टाइम यहाँ दो कब्रें थी, अब जाके देखिए कब्रों के अंबार लगे हुए हैं। जी तो हाँ बड़ी बरकत है जी। इसमें क्या मतलब? मेरा फैमिली डॉक्टर है, मेरा कोई नहीं बचे। फैमिली हकीम है फैमिली। मेरे वालिद साहब भी हिकमत करते हुए फौत हुए। अच्छा, एक दफा उन्होंने जहर बनाया और खुद ही चख लिया। ये आप क्या बच्चों वाली स्टोरी सुना रहे हैं? एक मिनट जरा, वंस अपॉन, खामोश, कीप साइलेंट। देखो अब ये कोई धनिए पुदीने वाला दौर नहीं है कि उनको रगड़ के आपको दवाई बना के दे दी जाए। दवाइयों के रेट आसमानों पे चढ़ चुके हैं। शहद ओरिजिनल नहीं मिल रहा, जड़ी बूटियां ओरिजिनल नहीं मिल रही, खुराक ओरिजिनल नहीं मिल रही, जाफरान ओरिजिनल नहीं मिल रहा, कोई चीज ओरिजिनल नहीं मिल रही। काम में छोड़ दो। नहीं नहीं, खरीद के ला। यकीन कीजिएगा, पहाड़ों पर सफर करना पड़ता है, बांदरों के हाथ से, रिच के हाथ से चीजें छीन कर लेकर आनी पड़ती है। एक दफा तो ये गए और वहां पे पहाड़ों में ही रह गए। बांदरों के साथ अंडरस्टैंडिंग होगी थी। मुर्शिद आ गया। देखियो मिसेज होमियो, मैं आपको बताइए, मेरा इलाज जो है वो बेजरर है। अगर मरीज ठीक नहीं होता तो कम अज कम मरता नहीं है। इनकी दवाई डायरेक्ट मौत है। नहीं रैम्बो साहब, असल इलाज हमारे पास है। अरे तुम्हारी दवाइयों से गुर्दे फेल, मेदा फेल, जिंदगी फेल, वड़ा मुंडा फेल। मतलब हो जाता फेल रैम्बो। हाँ जी रैम्बो भाई। जी जी। नहीं नहीं, पैसे आपसे नहीं लेने। नहीं मैं क्या, मैं सुबह तक खाता कुछ नहीं। आपको मैंने मना किया था, खाली पेट आपने मेरी दवाई खानी है। खाली पेट मैं सुबह आंदरा कटाती हूँ, मैं खाली पेट दवाई खानी है। देखें सारा कुछ बाहर कट दे। रैम्बो साहब देखें, ये जो आजकल हकीम बने हुए हैं, ये होम्योपैथिक, इनकी क्या डिग्री है मुझे बताएं? आपकी डिग्री है? मेरे पास एक डिग्री है। किसी कोई आदमी साइकिल पे जा रहा था, उसकी डिग्री थी, मैंने वो कैच की डिग्री, और वहां से डिग्री उठाकर मैं अब मैंने अपने नाम के साथ डॉक्टर हकीम और सलान डिग्री वाला। डिग्री लेके गांदे फिरते हैं, अल्लाह वाले अंदर डिग्री जी, डिग्री जी, करे साईं गाला केड़ी गलो, करे साईं अल्लाह वाले अंदर डिग्री। मैडम आपसे ये मैं पूछ रहा हूँ कि आपकी दवाइयाँ जो हैं वो साल साल खानी पड़ती हैं, तब जाके कहीं थोड़ा सा असर शुरू होता है। कम अज कम मरते तो नहीं हो ना इन डॉक्टर्स के पास? अगर मरते नहीं है तो सेहतमंद भी तो नहीं होते ना। हमारी दवाई जो है वो आपकी बीमारी को जड़ से खत्म करती है। और ये बंदे जुकाम होगा ऑपरेशन, साथ में दर्द है ऑपरेशन, हर चीज में तो ये ऑपरेशन बताते हैं। ऑपरेशन की टाइम में रैम्बो साहब मैं अंदरों खाली हो गया। किस तरह? इसलिए होम्योपैथिक इलाज करवाया। सिर्फ इस खातून ने इनकी वीनी पकड़ी और इसने सब जेब इसके आगे खाली कर दी। वो नहीं, अंदरों में तो खाली हो गया भाई। आप कितने अरसे से बीमार हैं? मैं जो दी होश संभाली बीमार। तब से आप बीमार हैं? तो आपने किससे इलाज करवाया? मतलब आपने डॉक्टर हकीम और होमियो सबका इलाज करा लिया? सारे को करा लिया रैम्बो साहब। हाँ जी। अंदर कख नहीं रहा मेरे। अंदर कख क्या मतलब? नाड़ा भी कट लिया, अंदर सारा धागे का काम होया। कोई नाड़ा चलन नहीं है। मैं दो तीन तारा विच पाइया। हाँ जी। ओदे ते हुण कपड़े भी सुकने पा लेना। अच्छा। मैं डॉक्टर साहब को गया। पहले डॉक्टर साहब के पास गए? हाँ, मेरे दार ते तकलीफ हो रही थी। हाँ जी। इन्होंने मेरा गुर्दा नीचे करो, खुल के बोलो, सांस लो लंबे लंबे। पखा पखा बंद कर। पखा बंद है? पखा है ही नहीं। अच्छा तो पर भी लुआ दे, मैनू हौसला नहीं हुंदा फिर। पर लगे ने ना, मैं लगता नहीं चल पेना। नहीं चलेंगे। अच्छा। डॉक्टर साहब को मैं गया जनाब। हाँ जी। दाड़ च मेरे तकलीफ सी। हाँ। दर्द होन डी सी, इन्होंने मेरा गुर्दा कट दिता। हाँ कहना गुर्दा चपया नहीं जाता दाड़ के नाल,
ਤੇ ਗੋਲ ਗਰਦੇ ਦਾ ਗੋਲ ਗਲੇ ਦਾ ਗੁਰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਲਵਾਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਢਾਈ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦਾ ਲਵਾ ਲਿਆ ਕਢਾਈ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦਾ ਬਣਵਾਇਆ ਤੇ ਵੈਲ ਦਾ ਤੇ ਕਾਟਨ ਦਾ ਗੁਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰਦਾ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਿਕਾਲਾ ਕਿਡਨੀ ਕੀ ਬਾਤ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੀ ਨਿਕਾਲੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਿਡਨੀ ਕੱਢ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਡਨੀ ਨਿਕਾਲੀ ਆਪ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠਿਬਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹਾਂਜੀ ਠਿਬਣੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਿਡਨੀ रेम्बो मैं आपको बात बताऊं ये घर में पहला बच्चा है जो सतमाया हुआ मेरे इलाज से इनके यहाँ कोई बच्चा बचता ही नहीं था अच्छा जी हां जी मैं इस तो बचे हैं कि मैं उसके बाद आप अकीम साहब के पास आए मैं इनको लो मैं इसलिए बचे मैंने दवाई ले आके रख लेना रे खांदा नहीं रे अच्छा आप इनके पास गए थे हां जी आपने इन्हें क्या पहले आप बताएं इनको क्या प्रॉब्लम थी देखें इनको शुगर इनकी हाई हो जाती है ब्लड प्रेशर इनका हाई हो जाता है पेट में इनके दर्द रहता है और सर के इनके दर्द रहता है मैंने कहा बे तेरे पेट च कहना कीड़े है मैं कहा मैं बंदा के अमरूद कीड़े पे कीड़े किस तरह पड़ सकते हैं वो पता नहीं कि असल में बहुत सारी बीमारियां इन पे है गुर्दे भी कट ले फेफड़े भी कट ले रहे वो अंदर में शॉपर रखा के फिरने आपको शुरू से पता हूं एक दफा का जिक्र है पतीला धोन लगा बावा टंगन ने इसका मैं इलाज जब मैंने शुरू किया ये असल में भूख की वजह से ये बीमारियों का शिकार क्योंकि इनके घर में गुर्बत नाच रही है गुर्बत नाच रही है पीपा खोलो आटा नहीं घी का कनस्तर खोलो घी नहीं हांडी खोलो सालन नहीं अरे घर की कोई चीज उठा लो ना बिस्तर है ना कुछ है घर में सिर्फ ये बाजरा खा के गुजारा करता है हकीम साहब आपने किसी मरीज के घर में ये सारी चीजें खोली क्यों नहीं नहीं मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ चीजों का इलाज होता है ताकत के लिए देसी घी इसको एक चम्मच देसी घी इसको एक एक हफ्ते इसको देसी घी लड़ गया देखो ये मैं मजदूर आदमी है रंबो साहब जी इन्हों को मैं इलाज करवाने गया इन्होंने मैंने दवाई लेके दी कहते दवाई खानी है एदे नाल कीमा खाना ਇਹ ਨਾਲ ਸੁਭਾ ਉੱਠ ਕੇ ਯਖਨੀ ਪੀਣੀ ਪਾਵੇ ਆਂਦੀ ਛੋਟੇ ਪਾਵੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਾਣਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਉਹ ਖਾਣਾ ਤੇ ਕੀਮਾ ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਖਾਣਾ ਛੋਟੇ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਬਣਿਆ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੀ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਕਹਾ ਥਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਪੰਜੋ ਕੀ ਯਖਨੀ ਬਣਾਨੀ ਹੈ ਇਹ ਘਰ ਮੇ ਪੰਜੇ ਲੈ ਆਇਆ ਉਸਕੇ ਕੜਾਕੇ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਔਰ ਸੋ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਬਹ ਪਕਾਉਣੇ ਸੀ ਭਾਜੀ ਪੰਜੇ ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੇ ਰੰਬੋ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਨੌ ਪਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਰਗੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤੀ ਭੈਣ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਪਾਸ ਦਵਾਈ ਲੈਣੇ ਜਾਓ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਵਾਈ ਕੰਮ ਦੇਤੇ ਹੈ ਖੁਰਾਕੇ ਬਤਾ ਦੇਤੇ ਹੈ ਜੈਸੇ ਆਪ ਕਹਤੇ ਹੈ ਦੇਸੀ ਘੀ ਔਰ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੀ और भुना हुआ कीमा खाना है और रात को दूध पी के सोना है ये चीजें तो आम आदमी भी बीमार खाएगा तो वो वैसे ठीक हो जाएगा अरे भाई यही तो चीज है बीमारी नहीं आपकी दवाई किधर गई वो उसका असर किधर गया देखो दवाई जो मैं बता रहा हूं क्या हुआ कोई है वो मार के रखे है ने रगड़ना है रखा हुआ है लड़ना जाएगी साइड पे करें आप हकीमा दी जेडी गल है ना रंबो साहब हकीमा वाली जी अल्लाह जन्न नसीब करे स्टेज दे बड़े फनकार सी अमानुल्लाह साहब जी जी वो एक जगह ते हकीम बने हां जी तो ना लोकी दवाई लेने आए उन्होंने कहा जी दवाई दे पैसे दे दो ते तुसी खुराक खानी उन्होंने कहा दवाई ते सी पैसे देन ले ली दी ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹਕੀਮ ਉਹ ਖੁਰਾਕੇ ਬਤਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਸੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਆਪ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀਏ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਚਾਹਤਾ ਹਾਂ ਹੋਮਿਓ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮੈਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹਕਮਤ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੜਾਈ ਮਾਜ ਦਿਓ ਪਹਿਲੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਕਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਕੂਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਡਾਲਾ ਹੋਇਆ ਮੌਤ ਦਾ ਕੂਆ ਮੌਤ ਦਾ ਖੂਨ ਉਹ ਜੋ ਮੋਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲੈਣੇ तो मैंने वो खूह उसमें पानी डाला हुआ तो मैं मरीज को कहता हूँ ये दवाई आप पहली खुराक मेरे पास ले अगर ये आप खाला टप गए
तो आप बच जाएंगे, अगर बीच में गिर गए तो नहीं बचेंगे। तो वो आधा मरीज तो वहीं ठीक हो जाता है जो खाला टप गया, जब मुझे शफा मिल गई। और आज तक कोई बंदा खाला नहीं टपे, सारा बेटे डिग गए। देखिए रैम्बो साहब, ये इनकी गफलत है। देखिए मैं एक बार मेरे पास आए तो मैंने कहा जाओ यार लेबोरेटरी से ईसीजी करवा कर आओ। तो लेबोरेटरी गया, उन्होंने कहा क्या करवाने, वहां भूल गया। उन्होंने कहते हैं वो आप मेरी सीएनजी कर दें। उसने कहा मैं सीएनजी तो कर दूंगा, फिर चढ़ाई पे पटाखे मारोगे। अच्छा, फिर साहब उन्होंने ना जो मैंने, ये तो आपने गलत टेस्ट करवा लिया। उन्होंने ना जो मैंने तूए लगे से। मैं कहा चलो अपना वही करा लिए, चलो सिलेंसर बंदे तो ठीक हो जाते। रैम्बो साहब मैं टेस्ट करवाए, वन डे करवाए, अपने 20-20 करवाए, मैं 5-5 ओवर का भी मैच कराया। आप मेरे से सिर्फ एक हफ्ते की दवाई ले, आपका इस साइड वाला गुर्दा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पथरी निकल जाएगी। गुर्दा ही है नहीं तो पथरी कितों आई बेच। क्या मतलब? गुर्दा तो उन्हें कट के बेच, पता नहीं आलू पा के खा गया। आपने गुर्दा निकाल लिए? गुर्दा निकालिया, फेफड़े निकाले, मेरी किडनी निकाली। ये बहुत सारे अस्पतालों में ये धंधा हुआ करता था। सख्ती हो गई है, ऐसे लोग भी हैं। तो देखो मैं लिखे यहाँ पे गुर्दा था, अल्लाह खैर। मैंने तो कहा था मेरी दवाई लो, कोई ऑपरेट नहीं होगा। अरे भाई इलाज सिर्फ हिकमत का। हम तो वो लोग हैं जब पर्दा भी खवातीन होती थी तो धागे से नबज बांधकर धागे से चेक कर लेते थे। एक खातून ने यकीन कीजिएगा कि बिल्ली के पांव के साथ धागा बांध के और पर्दे को सिर्फ खड़ा कर दिया और हमें लाके धागा दे दिया चेक करने के लिए। हमने कहा कि भाई इस मरीज को चिचड़ों की जरूरत है। अरे वाह, हम तो वो हकीम है। की बात है जी हाँ। और बिल्ली 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 ने चिचड़ा नहीं खाता, मुंह तो ला के इधर आ गए। अगर आप लोग इतना अच्छा इलाज करते हैं, आप भी अच्छा इलाज करते हैं तो फिर बाबरवान साहब जी, तुसी मेरी गल सुन लो। तुसी ना जेड़ा मेरा क्या कहा आपने इनको, बाबरवान साहब नहीं लगते बाबर सियासतदान जेड़े। हां जी हां जी। की ना उनदा इन्होंने जी पहले जो तो मेरा गुर्दा कटिया उस तो पहले इन्होंने मेरा पर्स कटिया, परस इन्होंने मेरा 900 रुपया कटे। अच्छा, इन्होंने अपना टाइम कटे। अच्छा, तो फिर इन्हें मेरा गुर्दा कटिया। ये तो इतने जालिम डॉक्टर है, इस बंदे के पित्ते में पत्थरी थी, इस शख्स ने पूरा पित्ता ही निकाल दिया। और काट के अपने पियो नु कहता पिता जी देखना पिता ठीक है। ये वेरी बैड, आप गलत कह रही हैं। देखिए मैंने जब पहला ऑपरेशन किया ना तो मैंने मरीज के जेब में से पत्थरी निकाल ली। जेब में से जिसके गुर्दे में पत्थरी थी। नहीं, चलाकी ना लाई थी उन्हें। और जो मैंने पहला एक्सरा किया था मरीज का जी, उसकी मैंने तस्वीरें बना के अपने ड्राइंग रूम में लगाई हुई है ताकि यादगार रहे। एक्सरे ड्राइंग रूम में? ये हकीम साहब की बात सुनी, इन्होंने कहा कि मरीज औरत के हाथ के साथ धागा बांध के पर्दा कर लिए, हम बीच पर्दे की साइड पे बैठ जाते जी हाँ। एक दफा आप देखे, मेरी नानी को उनके पास भेजा, उनके हाथ के साथ धागा बांधा। एक हाथ नहीं था, दूसरा हाथ था उस साइड पे हकीम साहब, इस साइड पे मेरी नानी, उन्होंने धागा बांधा, इन्होंने खींच के नानी अपनी तरफ कर लिया। उसमें से ये होम्योपैथिक है, झूठ बोल दी डॉक्टर साहब। रैम्बो साहब झूठ बोल दी, नानी का एक हाथ ही नहीं तो उन्हें गंढ की बीमारी होगी। दूसरे नहीं, दूसरे हाथ ना भी कि टोंड ना लाइन इंज कर दी। अरे अपनी किसी सहेली से गिरा लगवा ली होगी। हाँ, हो सकता है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको एक हफ्ते की दवाई दूंगी, आप बिल्कुल चौकस हो जाएंगे। नहीं, नहीं, अच्छा, नहीं, मुझे नहीं। अब ये बताएं जी, ये तो इन सब ने तो आप पे ट्राइयां कर ली हैं, अब आप क्या समझते हैं आप कैसे ठीक होंगे? हाँ नहीं नहीं, किराया भी दूंगा मैं, आप चले जाइएगा। नहीं मैं क्या, मैं जाना नहीं, इतने ही रहना होगा। रैम्बो साहब देखे, आप इनसे पूछें, अगर आप अच्छा इलाज करती हैं, आप अच्छा इलाज करते हैं तो जब इमरजेंसी होती है तो आप क्यों कहते हैं कि जाओ हॉस्पिटल जाओ अस्पताल जाओ? अब आप ये बिल्कुल सही है, हकीम और आप जब कहते हैं जी कि नहीं ये इस वक्त आपको इमरजेंसी की जरूरत है, फिलहाल अस्पताल चले जाएंगे। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन ले हकीम साहब। असल में इमरजेंसी में जब कोई मरीज आता है, अरे पसीना है कहाँ, एसी चल रहा है। अरे एक मिनट मैं बात बता दूँ, बारी बारी आप पहले आप बताइए। बात ये है कि उनके पास इसलिए भेजा जाता है कि उनकी दवाइयाँ तेज होती हैं, हमारा इलाज
देर पा लेकिन पायदार। पक्का बंद कर दे वाला वक्त गुजर जाए फिर वो आपके पास आ जाए। हम बात बात पे पेन किलर नहीं ठोक देते इनको। जब इमरजेंसी मरीज हमारे पास आता है हमारे पास तो स्टूल होते हैं, बेंच होते हैं जिसमें चुटकी भी इंसान को लग जाती है, हिलने वाले अक्सर इंसान अद्धा मरीज तो होते ठीक हो जाता। तो हमारे पास तो स्टूल भी वो होता है। जी अच्छा बिल्कुल, यहाँ भी चुटकी है? नहीं नहीं यहाँ नहीं। और जेडे केले निकले होंगे वो भी दसो ना। देखो हम तो मरीज से पैसे नहीं तो कपास भी ले लेते हैं। हम गंदुम भी ले लेते कटोरा पुरानिया जुतियां तो भी इलाज कर देते। हम जब हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है हमारे पास वो सहूलते नहीं है क्योंकि हमने 10 रुपए में भी पूरी दे देनी है। अच्छा। तो फिर इसलिए हम कहते हैं कि आप फर्स्ट इन द लास्ट इंप्रेशन आप इधर जाएं। ਇਹ ਤਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਚ ਪੁੜੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੀ ਨੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪੜਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਆ ਬਕਵਾਸ ਹੈ ਤੂੰ ਮਜਬ ਸੇ ਬਾਬਾ। ਕੁੜੀ ਮਤਲਬ ਪੁੜੀਆਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪ ਆਖਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੜੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਚੂਰੋ ਗਾਣਾ ਉਤੋਂ ਬਣੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੁੜੀਆਂ ਚਹਿਰ ਦੀਆਂ ਦੁਬਈ ਆਈਆਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਫੱਕੀਆਂ। आप अगर इसमें कोई खतरनाक चीज लेके घूम रहे हैं तो प्लीज इसको बाहर रखवाइए। देखो इसमें मैंने कुछ चीजें ऐसी होती हैं, लोहे को लोहा काटता है, जहर के लिए जहर रखा हुआ है अंदर सांप। जी हाँ इसके अंदर सांप है। रैम्बो साहब आप हिकमत में जहर भी इस्तेमाल करते हैं? जी अक्सर दवाइयां ऐसी होती हैं जिसका इलाज कर हम मरीज को नहीं बताते। अच्छा उसमें जहर होता है? जी हाँ। एक जगह मैं गया वहां मैंने सांप छोड़ा, मैंने कहा भी चलो छोड़ देते हैं, वहां से दो निकल आए। अच्छा तो मैंने कहा भी ये क्या, तो मैंने कहा भी आप अपना सांप पकड़ो मुझे अपना पकड़ लीजिए। अच्छा तो फिर वहां से फिर मैंने वो सांप पकड़ा और फिर मैं बैग में बंद करके ले आया। अभी इसमें सांप तो नहीं है? अच्छा नहीं ठीक है बंद रहने दे। नहीं पालतू सांप पे देखिए देखिए हल्का सा देखिए ये हकीम है या सपेरा, इसको बाहर निकालिए। जादूगर सैया छोड़ो मोरी भैया। और तो गौर करो तेरा जादूगर सैया छोड़ो मोरी भैया। हो गया आधी रात अब घर जाने दो। आप इनको बहुत समझते हैं। साहब तो हकीम बने हैं। अच्छा आप अपनी दवाइयों में जिद्दत आप नहीं आ रही कि जरा फास्ट हो जाएं ये 6-6 महीने का या 7 साल का कोर्स? देखिए आपको पता है कि जल्दी के काम शैतान की होते हैं। कोई भी बीमारी अगर आप यूं करके ठीक करेंगे तो उसके साइड इफेक्ट होते हैं। मेरी दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इनके पास जाएं अगर गुर्दा ठीक करेंगे तो मैदा जलन करेगा, अगर मैदा ठीक होगा तो पित्त में पथरी आ जाएगी। इनके इलाज से इफेक्ट जरा साइड पे होता है, साइड इफेक्ट नहीं होता। अच्छा हमने ये सुना है कि आजकल आप मरीजों को जल्दी ठीक करने के चक्कर में उसमें कुछ स्टीरॉइड और कुछ ताजात मिक्स करना शुरू कर दी है आपने ताकि मरीज फौरन ठीक हो जाता है, उसमें ताकत आ जाती है। जितनी हिकमत की दवाइयां वो कितनी खतरनाक हो चुकी हैं। ये ऐसी ऐसी चीजें दवाइयों में डालते हैं जो आपको नशे ही बना देती है, एडिक्ट कर देती है। एक बारी मैं जी ये ठीक हो गया इन्होंने दवाई खा गई तो निमको खा दी। अच्छा टोन हो गया। और अगर ये बंदा ठीक हो जाता है फिर भी उसके पास जाता है कि 50 रुपए की दवाई और दे दे। आदत डाल देते हैं। यस हकीम साहब ऐसी कोई बात है? मैं आप पे नहीं कह रहा, कुछ ऐसे हकीम हैं जो इस तरह की वो पांच उंगलियां बराबर नहीं होती, एडिक्ट कर देते हैं। एडिक्ट करते हैं पांच उंगलियां बराबर होंदियां ने कौडू साहब दी देख बराबर नशा तो पेट्रोल का भी हो जाता है, नशा तो समझ बॉम्ब का भी हो जाता है। ये झूठ है जी, नशा पेट्रोल में होता तो नाचती मोटरसाइकिल। नशा पेट्रोल में कैसे होता है यार? पारी तुसी आओ रंगो साहब, तुसी आओ बेवकूफ आदमी पूछो। मैं बेवकूफ आदमी नहीं, मतलब बेवकूफियों के ना खपंडे। रंगो साहब आप अपने टाइम पे चाहिए, अल्लाह ना करे कभी आपको कुछ भी गर्मी सर्दी हो आप डायरेक्ट राहिला के क्लिनिक पे आइए। आप डायरेक्ट अरसलान हकीम, जो काम हकीम लुकमान ना कर सका वो मैं कर दिखाऊंगा। आप लोग इजी हो जाएं, आपको जब भी तकलीफ हो तो आपने कामरान क्लिनिक पे आना है। नहीं नहीं राहिला क्लिनिक नहीं नहीं राहिला नहीं नहीं अरसलान। अल्लाह ना करे मुझे जरूरत पड़े, वैसे मैं आप में से किसी के पास नहीं जाऊंगा। मैं आपकी सारी बातें सुन चुका हूँ। बीमार साहब आपकी गलती है, एक जगह पे लग के आप इलाज कराते तो आपका इलाज भी हो जाता। आपके बच्चों की खैर, खूबसूरत आपने बात की है।
मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक हफ्ते मेरी रैम्बो साहब मेरी गल सुन, एक जगह तो मैं लग के इलाज करवाउंदे जी जी, मैं उत्थे लगा सी इलाज करवा, हां जी लोकां ने मैनूं मारिया, क्यों कहंदे इत्थे कित्थे लगा सी, लगा जी मैं इलाज करवाउण लगा लाइन च लगा, अच्छा इन्हां ने एक दवाई मैनूं दित्ती दो पुड़ियां जी, उहनां चों इक मैं खाधी रैम्बो साहब मेरे कन्न लाल हो गए, अच्छा अखां मेरियां खलो गईआं, नक मेरा लोकां नूं वेखण लग पिआ, मैं कहे तो मेरा गुड नक होया पिआ, गुड नक, मैं फिर माफ़ी मंगी, दूसरी पुड़ी खान च मेरी हिम्मत नहीं सी, चक्कर आउंदे चक्कर घुमा घुम घुम घुमैया आउंदिया सी, मैं फिर जाके इन्हां दी कुंडी खड़काई, मैं कहा हकीम साहब कित्थे हो, इन्हां ने कहिंदा मैं भी उही पुड़ी खाधी है, मेरे नाल नहर च ही आ जा, असीं फिर दोवें रात नहर च कढ़ी, इन्नी अग लाती उस पुड़ी ने, तो मैं दफा कराती तो नहीं खाती, नहीं मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मरीज को एक जगह से टिक के आराम से इलाज कराना चाहिए, चाहे वो होम्योपैथिक का हो, चाहे वो हकीम साहब का हो, चाहे डॉक्टर साहब का हो, बिल्कुल सही, एक जगह आप दो दिन डॉक्टर के पास चले गए, दो दिन हकीम के पास चले गए, इस तरह तो आपने असल में लोगों की मुसीबत है कि लोगों को कोई कहते ना कि ये तो दम दुरुस्त से ठीक होगा, वो उस तरफ निकल जाएगा, वो कहेगा ये हकीम ठीक नहीं, वो तो मट्टी देता उससे ठीक हो जाएगा, अरे उस डॉक्टर के हाथ में शफा है, अरे भैया शफा क्या, दवाई लो, और देखो डॉक्टर आपको पांच दिन की दवाई देता है, आप एक ही पुड़ी में ठीक हो जाते हैं, चार दवाइयां आप डस्टबिन में फेंक देते हैं, पांच दिन की दवाई देने का मकसद ये है कि जो इलाज है वो जड़ से खत्म हो। हकीम साहब एक गल पूछा, जी हां बिल्कुल सही है हकीम साहब, और इसमें कोई शक नहीं है कि आपका जो इलाज है वो भी बिल्कुल सही है अपनी जगह पे, हकीम साहब का हिकमत, वरना क्यों होती, सबसे पुरानी हिकमत ही है, हिकमत भी सही है, बशर्ते कि हकीम सही हो, सही है, डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं, कोई अच्छा नहीं है, अभी आपके सर में दर्द है, आप जाएं 5,000 के टेस्ट लिख देगा, ये करके लाओ, क्यों वो तो अगला, इसमें इसके सर में दर्द है, अगर मैं 5 मिनट में इसका सर का दर्द ठीक ना कर दूं तो मुझे हकीम ना कहना, यकीन कीजिएगा कि अल्लाह जानता है कि मेरे हाथ में वो शफा है कि मैं आपको क्या बताऊं कि अभी अभी एक मिनट में ये ठीक होगा, यकीन कीजिएगा कि ना पूरी की जरूरत ना कोई ऐसी बात, यकीन करना, ये देख लो हकीम मरसलान का कमाल कि अभी सर का दर्द ये भी है ठीक है, ये भी सैड इसकी है, ठीक होगी मुझे लगा बैठे हुए मेरे वाले साहब ने मेरी किस्तें पूरी नहीं भरी थी इसलिए मैं छोटा रह गया, हकीम साहब मैं भी नाल तुहाडी तुहाडियां बाहां छोटी बाहां छोटी है करते और बंदा रखे, आपका क्या मतलब है, आपका क्या मतलब है, ये चलते हुए कोई टांगों वाले कूलर लगते हैं, हाँ, लगा अच्छा चलो लगते हैं, आप क्या कर लेंगे, हाँ, ये टांगों वाले कूलर है, आप क्या कर की क्या रहे? रहे? आप चाहते हैं या यहाँ लड़ाई हो या आपस में डांगा सोटी चले, नहीं नहीं पक्का बंद कर दे रहे इलाज कोई भी है जी, हिकमत का है, होम्योपैथ का है और एलो का है, वो अपनी जगह सब ठीक है, बशर्तिया के वहाँ पे बैठने वाला बंदा जो है वो दिल से सही करना चाहे तो वो बड़ी जल्दी ठीक कर सकता है, ना कि अगर वो बिल बनाना चाहे तो आपको लंबे चक्रों में भी डाल सकता है। हाँ खूबसूरत बात है, आपका भी बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया, चलो मेरे साथ आप, नहीं एक मिनट, होम्योपैथिक क्लिनिक, अब ये अब आपने किसी एक जगह से इलाज करवाना है, पक्का तीनों में पक्का पक्का है ही नहीं ऊपर और थाने कचहरियों से महफूज रखे जी, सब खुश रहे आबाद रहे, अल्लाह ताला आप सबको खुश हो आबाद रखे, अगले शो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, रब राखा। आप देख रहे हैं जान रैम्बो यूट्यूब चैनल, टैन टैन देखते रहिए, हाँ ना।